देवधर तहसील में संचय नगरी निकायों में मतदान की कार्रवाई आज शांतिपूर्ण तरीके से हुई संपन्न। 20 जुलाई को उम्मीदवारों के भाग्य का खुलेगा पिटारा। पूरा मामला देवधर तहसील क्षेत्र अंतर्गत संचयित दो नगरी निकाय चाक घाट एवं देवधर नगर परिषद से जुड़ा हुआ है, जहां आज सुबह 7 बजे से 5 बजे तक मतदान की कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। इस दौरान युवाओं से लेकर बड़े बुजुर्गों तक मतदान केंद्रों में पहुंचकर अपने मत का प्रयोग किया है, जहां नगर परिषद चाक घाट क्षेत्र अंतर्गत शाम 5 बजे तक 6709 वोट पड़े हैं। वहीं नगर परिषद त्योथर क्षेत्र अंतर्गत 10051 मतदाताओं द्वारा अपने मत का प्रयोग किया गया है। बता दें कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे इस हेतु जिला अधिकारियों के निर्देश पर त्योथर SDM PK पांडे, SDOP समरजीत सिंह द्वारा टीम के साथ लगातार क्षेत्र में भ्रमण किया जा रहा था, जहां क्षेत्र के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, थाना प्रभारी की टीम पूरे क्षेत्र में भ्रमण करती रही। वहीं व्यवस्थाओं के मॉनिटरिंग लेते हुए लोगों से निर्भीक होकर मतदान करने अपील की गई। बता दें कि इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए मतदाताओं द्वारा मूलभूत समस्याओं पर मतदान करने की बात कही है, जहां योग्य उम्मीदवारों को अपना मत देते हुए वार्ड एवं नगर के विकास को लेकर मतदान किया है। इस दौरान मतदान केंद्रों में कई ऐसे मतदाता भी पहुंचे हैं जो चल पाने में पूरी तरह से अक्षम थे। वहीं कई मतदाताओं ने 100 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत भी नगर के सरकार बनाने में अपनी भूमिका निभाई। इस दौरान नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सुबह से ही मतदाताओं में भारी उत्साह देखा गया। वहीं मतदान के उपरांत EVM मशीनों को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रख दिया गया है, जहां 20 जुलाई को मतदाताओं द्वारा EVM मशीनों में कैद किए गए उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला किया जाएगा। मूलचंद गुप्ता, हमने विकास के लिए, नगर के विकास के लिए, अपने वार्ड के विकास के लिए, नाली पानी की सफाई के लिए और बिजली के लिए वोट विकास के लिए डाला, जिससे हमारे नगर का विकास अच्छे ढंग से हो सके।